गाइस यार, जिस दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन फाइनली आ चुका है। जी हाँ, आज जो डेट है वो है 10 जनवरी 2022। और DW से ऐसी अपडेट आई है कि आज सभी छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। एक आर्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा आज लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। और आपको कहाँ से अपना स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना है, प्रूफ के साथ बात करूंगा। जी हाँ, जेनुइन अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप या मिस मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना देरी किए हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो डालूंगा आपको बेहद आसानी से मालूम चलेगा। तो चलेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक सबसे पहले एक छोटा सा आर्टिकल है, उस पर हम बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से कक्षा 9वीं तथा 10वीं के जो भी छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति भेज दी गई है। इवन जो मेरे कज़िन भाई बहन हैं उनकी भी स्कॉलरशिप उनको रिसीव हो चुकी है कल की डेट में। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा। लेकिन बहरहाल अभी इस आर्टिकल को जानते हैं क्या है। करीब 1.5 लाख से अधिक पात्र छात्र जो हैं वो स्कॉलरशिप नहीं पा सके। सामान्य वर्ग के कक्षा 9वीं तथा 10वीं के 22,000 पात्र छात्र स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाए। बजट की कमी के चलते स्थिति आई है। इस वर्ग में कुल 1.38 लाख छात्रों को 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश सरकार सभी वर्ग के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। इस मद में पूर्व दसम कक्षाओं में सामान्य वर्ग के 25 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था और कक्षा 9वीं तथा 10वीं में 1.6 लाख जो छात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलना था। लेकिन बजट के अनुसार सिर्फ 22,000 जो छात्र हैं उनको अभी स्विस का लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि शासन को स्विस का रिपोर्ट भेजा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ने यहां पे फिर अपना कह सकते हैं दोगलापन वाला जो कार्य है वो किया है। इन्होंने कहा था कि 9.5 लाख आवेदन आए हैं जनरल कैटेगरी के और 10 लाख से अधिक छात्रों को इस बार छात्रवृत्ति देने का प्लान है जनरल कैटेगरी के छात्रों का। फिर इनके पास बजट कमी आती है, ये क्यों? हालाँकि इन्होंने रिपोर्ट जो है वो भेजा है। इस मद में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी भाई बहन पड़ोसी कोई भी हो तो उसका अगर कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ता है तो उसको स्कॉलरशिप चेक करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप 9वीं 10वीं वालों की कल भेज दी गई है और आज भेजी जाएगी किसकी, 11वीं 12वीं। इसके अलावा आपको बता दूं ग्रेजुएशन डिप्लोमा सभी छात्रों की आज भेज जाने की उम्मीद है। कुछ छात्रों को आज रिसीव होगा, कुछ को कल। आचार संहिता से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अगर पैसा लखनऊ से DW ट्रेजरी में पहुँच चुका होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हुआ हूबहू ऐसा ही, समझ गए आप? तो फिर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे चरण की भुगतान की स्थिति 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भुगतान का एक चरण और चलेगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 10 जनवरी 2021 है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको इतना बस कहना चाहूँगा कि छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जा रही है, इस बात से आप बिल्कुल बेहिचक कन्फ्यूज़ ना हो। और आज भी छात्रों को रिसीव होगी। आप लोग रेगुलर अपना स्कॉलरशिप चेक करते रहिए और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे फोटो और स्क्रीनशॉट जरूर से शेयर कर दीजिएगा। कई सारे कमेंट्स आए हैं कल की डेट में, गाइस BA वालों का स्पेशली आया है कल की डेट में, 9वीं 10वीं BA BSc BCom, समझ रहे हो? तो चलिए, कैसे आपको अपना स्कॉलरशिप चेक करना है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। वहाँ पे आपको बेस्ट रोजगार सर्च कर देना है। सर्च करोगे, यहाँ पे नीचे आओगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जहाँ से आप स्टेटस, इसके अलावा पेमेंट, रिजेक्टेड लिस्ट सब कुछ चेक कर सकते हो। तो हम लोग को काम है पेमेंट से, तो सिंपली हम पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। गाइस, जैसे हम पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ से आप डेली विजिट करके भी अपडेट्स को पढ़ सकते हैं और अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस जो भी है उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ लिंक जो है वो देखने को मिल जाएंगे करेक्शन को लेकर। हमें स्कॉलरशिप चेक करना है उमंग ऐप के थ्रू, या फिर डायरेक्ट आप बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हो शाम तक। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ से आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर MPIN डालना है। अगर आपने वो नहीं डाला है या फिर नहीं बनाया है तो सिंपली आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और नया अकाउंट जो भी है वो बना लेना है। कैसे बनाना है चलिए ये भी बता देते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके अलावा जो भी OTP पाना है तो यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपको OTP आएगा, वो OTP डाल देना है और ये कैप्चा कोड डाल के सिंपली एग्रीमेंट करके रजिस्टर कर देना है और आपका जो भी उमंग पे रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद आप बेहद आसानी से अपना स्कॉलरशिप का पैसा चेक कर सकते हैं। तो छात्रों में वह फोक स्थिति बनी हुई कि सर BA BSc वालों की आ गई, 9वीं 10वीं की आ गई, 11वीं 12वीं, इसके अलावा 12वीं की भी कल कुछ छात्रों की आई है, ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं आई।
छात्रों की स्कॉलरशिप भेजी जा रही है, लेकिन अभी कह सकते हैं जो बड़ी संख्या में भेजे जाने की बात है वो सिर्फ मेरे डाटा के हिसाब से और मेरे पकड़ के हिसाब से 9वीं 10वीं और बी ए बी एस सी बी कॉम वालों को ही भेजा गया कल की डेट में। आज उम्मीद है कि 11वीं 12वीं इसके अलावा ग्रेजुएशन जैसे बी टेक बी फार्मा और बी आर के और बता दूँ बी ए बी एस सी के साथ पॉलिटेक्निक के भी छात्रों को आज इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। अगर आज भेजी गई तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाएगा, पी एफ एम एस के थ्रू भेजी जाएगी तो थोड़ा समय लगेगा, और डायरेक्ट अगर ए पी बी एस के थ्रू भेजी जाएगी तो तुरंत आपको रिसीव हो जाएगा विद इन आवर, समझ रहे हो। तो गाइज यह कुछ इस प्रकार का अपडेट है। बाकी का एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख सकते हो इतने कम परसेंट लोग ही क्यों सब्सक्राइब किए हैं यार चैनल को, आप देख सकते हो 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाई आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर 80% लोग जो वीडियो को देख के चले जाते हैं रेगुलर वीडियो को, अगर वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें इस भाई को तो हमारा चैनल कितना आगे पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रकाश एजुकेटेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।